दिखाऊंगा लेकिन एक है मेरी जो बड़ी है और एक है छोटी जो मेरी सिस्टर की है। वो दोनों रिंग लाइट मैंने कितने तक की बनाई वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो जिन लोगों को रिंग लाइट घर में नहीं बनाना आती है, इनके पास इतने पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर से रिंग लाइट बहुत महंगी है, तकरीबन जो जिस साइज की मैंने बनाई है वो आपको मार्केट में 7 to 8,000 तक की मार्केट में मिलेगी। और मैंने जो उसको घर में बनाया है उसके प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगा। दोनों रिंग लाइट के बताऊंगा मैंने कितने बनाई, तो इतने कोई हैवी प्राइस नहीं है, अंडर मैंने कुछ 1500 के अंदर अंदर दोनों रिंग लाइट बना ली है, तो मैं आपको वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें, कमेंट में जरूर बता दें कि आपको रिंग लाइट बनाना आई या नहीं, या आपके घर वालों ने आपका साथ दिया या नहीं। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया और आज मैंने रिंग लाइट बनाई है इस वीडियो में, तो एंड में आपको दिख जाएगी वो। इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जो रिंग लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम पैसे हैं, छोटी रिंग लाइट नहीं उनको बड़ी रिंग लाइट चाहिए, तो वो भी वीडियो बनाना सीख जाए। वीडियो सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी आई एम सो सॉरी, वीडियो नहीं रिंग लाइट बनाना सीख जाए। और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन इस इंट्रो के बाद। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, आज मैं आपको रिंग लाइट बनाना सिखा रहा हूँ। तो अब मैं जरा बाहर जा रहा हूँ रिंग लाइट का सामान लेने, तो फिर उसके बाद जब रिंग लाइट का सामान लेके आ जाऊँगा तो बाकी चीज़ें आपको बाद में दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आया हूँ और आपको ये चीज़ें आराम से मार्केट में मिल जाएंगी। गाइस आई एम बैक फाइनली होम अगेन। तो मैं क्या क्या लेके आया हूँ अभी मार्केट से वो सब अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपसे गुजारिश है चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और कमेंट में लाजमी से बता दें कि रिंग लाइट बनाना सीख गए या नहीं, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। चले मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको उस पार्ट में बताया था कि मैं मार्केट जा रहा हूँ रिंग लाइट बनाने के लिए कुछ सामान लेने, तो सामान लेके मैं आ गया हूँ। तो अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ। ये हमें चाहिए लाइट, तकरीबन मैं जितने साइज़ की बना रहा हूँ उस पर मुझे तकरीबन 3 मीटर की ये लाइट की ज़रूरत पड़ी है। और एक आपको एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एडाप्टर और ये स्विच केबल और ये फॉइल पैकिंग का रोल है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा रोल है फॉइल पैकिंग का मेरे पास। और ये आपको शॉपर को टेक करने के लिए यानी जो शॉपर को लॉक करने के लिए ये लगते हैं क्लिप, ये चाहिए होंगे। ये मैंने पूरा पैकेट ही ले लिया है, ये 100 पीसेस का है, ये आपको मार्केट में मिल जाता है। और उसके बाद मैं अभी आपको मैंने जो रिंग पे फॉइल लगाई है वो दिखाता हूँ। गाइस ये देखें मैं रिंग पे ऑलरेडी फॉइल लगा चुका हूँ। तो अब मैं आपको गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये कार्डबोर्ड है ये आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जो जिस पे आपने फॉइल पैकिंग चिपकाई है रिंग पे अगर वो हल्का है तो उसकी उस पे आपको ये नीचे थोड़ी पैकिंग देनी पड़ेगी, यानी उसके 2-3 लेयर और लगानी पड़ेंगी ताकि वो मजबूत हो जाए आपके जब ट्राइपॉड पे आप फिक्स करें तो वो गिरे ना। तो चले मैं आपको अभी रिंग कट रहा है रिंग कटने की, देखिए मैंने रिंग ड्रॉ कर लिया था इसके ऊपर उसी रिंग के बिल्कुल हिसाब से, उसी रिंग के साइज़ का। तो ये मैंने रिंग ड्रॉ करने के बाद उस पर पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके उसके बाद अब हम इसको कट कर रहे हैं। ये ब्लेड है इससे हम कट कर रहे हैं, तो कट करने के बाद मैं आपको रिंग जब बाहर आ जाएगा देख सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कार्डबोर्ड को कट करना है और मैंने कार्डबोर्ड को कट कर लिया है रिंग के शेप में। रिंग एक मैं एक लेयर और काटूंगा सेम इसी साइज़ की, ताकि वो जो हमने जिस पे फॉइल पैकिंग चढ़ाई वो गत्ता हमारा थोड़ा सा हल्का टाइप का है, मतलब वो इतना वज़न सह नहीं पाएगा, तो इसलिए हमने 2 लेयर और काटी हैं। एक लेयर कट रही है और एक लेयर ये रही, तो फिर उसके बाद दोनों को चिपकाएंगे ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए। उसके जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों रिंग कट कर लिए हैं। अब उसके बाद इनको हम एक के ऊपर एक यानी ओवरलेप करके, ये देख सकते हैं आप इसको ओवरलेप करके, उसके बाद हम इसके ऊपर ये फॉइल वाली अपनी शीट लगाएंगे और इन तीनों को हम समट बॉन्ड या एल्फी से इसको पक्का करने के लिए चिपका देंगे जॉइंट करने के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको किसी चीज़ से प्रेस करने के लिए दबाने के लिए रख दूंगा, फिर उसके बाद मैं इस पर लाइट लगाऊंगा। इसको आपको पूरा ओवरनाइट रखना पड़ेगा प्रेसिंग के नीचे, यानी किसी भी चीज़ भारी चीज़ के नीचे आपको इसको प्रेस करने के लिए रखना पड़ेगा ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए ओवरनाइट। ओवरनाइट नहीं तो यानी ओवरनाइट से थोड़ा कम, लेकिन
तकरीबन 4-5 घंटे तो आपने इसको प्रेस करके रखना है ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो चलें, गाइज आपने जब इसके ऊपर ग्लू लगानी है या फिर कोई एल्फी वगैरह लगानी है तो उसमें आपने इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी रिंग लाइट का बेस होगा। और ऐसा ना हो कि आप कंजूसी करें और बाद में आपको मसला हो जाए, रिंग लाइट हल्की बने या आपके ट्राईपॉड को सपोर्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए इसमें कंजूसी नहीं करिएगा। चाहे तो पूरी ट्यूब लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसको ओवरनाइट रखना है, तो मैंने ओवरनाइट रखने के बाद इसको मैंने अब निकाला है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स हैं। ये अगर मैं आपको कैमरे में सही तरह दिखा सकूँ तो ये इसकी 2 लेयर्स हैं और ये इसकी फॉइल पैकिंग है। तो ये देख सकते हैं आप कितना ये मज़बूत हो गया है। अब इसके ऊपर मैं लाइट लगाऊंगा। ये मैंने ये फॉइल पैकिंग वाला हमारा रिंग है। उसके बाद हमें इसको ग्लू ग्लू से हमें हमारी जो लाइट है, ये जैसे हमारी लाइट है, मैं कल परचेज़ करके लाया था मार्केट से, अब इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो अब मैं इसको उसके ऊपर लगाता हूँ। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब मैं इसके ऊपर लाइट फिक्स करूँगा और लाइट को मैंने फिक्स कर दिया है। तो ये जैसा कि मैं कैमरे में क्लोज करके दिखा सकता हूँ कि मैंने लाइट ये सारी लग चुकी है। तो इसके बाद अब हमें एडाप्टर को लगाना है। एडाप्टर को मैं भी लगाता हूँ, तो चलिए अभी एडाप्टर लगाते हैं। गाइज ये इसके 2 होल्स दिए हैं और ये इसके अंदर वायर है, तो इसके अंदर ये एडाप्टर इसके अंदर ऐसे तरीके से चला जाएगा। जैसा कि एक सेकेंड गाइज ये देख सकते हैं आप, ये लग चुका है। अब उसके बाद इस तरीके से इसको आप वापस इसके अंदर लाके ऐसे कर देंगे। तो चलें अभी मैं आपको जला के दिखाता हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने ये होल किस वजह से करा है? तो होल मैंने इस वजह से करा है क्योंकि इसके अंदर हमारा ये क्लिप, पाइप क्लिप जिसे हम कहते हैं, ये आपको प्लम्बर्स वालों की दुकान से यानी सैनिटरी की दुकान से मिल जाएगा। उसको बाद हम इसको यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा हमारा ट्राईपॉड से ज्वाइंट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये हिस्सा, जो ये कील वाला हमारा हिस्सा है, नेल वाला, ये नट खुल के ये अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे फिक्स करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको लाजमी चाहिए होगी अगर आपको ट्राईपॉड पे फिक्स कर रहे हैं, और मेरी तरीके से कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको लाजमी चाहिए होगी। तो ये आपको सैनिटरी की दुकान पर मिल जाता है गाइस। ये आपको 60 से 70 रुपीज़ तक मिल जाता है, तो इतना कोई ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं है इसका। तो ये एक परचेज़ आपको करना पड़ेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो यार, मैंने इसमें जो होल में सुराख करा था, यानी अपने कार्डबोर्ड में जो मैंने होल करा था, उसके अंदर से मैंने जो पाइप की थी वो मैंने लीड यानी नेल यानी वो क्या बोलते हैं कील, वो बाहर आ गई है इसकी, और बाकी जो पार्ट है वो उसका आगे हुआ है। देखें तो ट्राईपॉड से जो पीछे वाला पार्ट है कील वाला, वो आगे आके जुड़ गया है, और यहाँ पे 2 नट से मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो गाइज देख सकते हैं आप, ये पूरी इसके ऊपर फिक्स अप हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये ट्राईपॉड का मेरा ट्राईपॉड जहाँ पे मैं मोबाइल फिक्स करता हूँ अपने ट्राईपॉड पे, और ये रिंग लाइट। तो अब आपके भाई की क्या वीडियोस बनेंगी, बस चेक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दें यार वीडियो कैसी लगी। यकीन करें अच्छी लगी होगी, रिंग लाइट अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें। अगर ट्राईपॉड पे फिक्स करना आ गया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो चलें अब मैं आपको रिंग लाइट के कुछ स्लोमो शॉट्स दिखाता हूँ। मैंने जो दोनों रिंग लाइट्स बनाई, यानी जो दोनों मैंने कितने तक की बनाई,
वो मुझे दोनों पड़ी हैं अंडर 1500 ही पड़ी हैं, मतलब अंडर 1500 भी नहीं पड़ी, अंडर 1000 पड़ी हैं। मैंने ये दोनों रिंग लाइट 900 रुपीज में बनाई हैं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखा दिया कि मेरी रिंग लाइट कितनी बड़ी है, उसमें व्हाइट लाइट है, और मेरी बहन की जो है यानी सिस्टर की वो है गोल्डन और छोटी है वो, और हम दोनों मिल बांट के यूज़ कर लेंगे। ये वाली मेरी, वो भी यूज़ कर सकती है, मैं भी उनकी यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक ये वाली जो मैं जिस पे वीडियो अब बना रहा हूँ, ये वीडियो इस पे आप ये जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो 7 to around 7 to 8 thousand या 6 thousand तक की मिलती है, और मैंने इसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने 600 में बनाया, और मेरी बहन की 300 की बनी है। 900 में हमने दोनों रिंग लाइट बनाई है। तो गाइस इसी बात पे यार लाइक के बटन को प्रेस कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। और कमेंट में जरूर बता दो कि आपने ये वीडियो किस किस को शेयर करी, अपने किन दोस्तों के साथ शेयर करी, और उन लोगों ने रिंग लाइट बनाने के बाद आपको क्या मैसेज करा। तो ये है मेरी वाली रिंग लाइट और ये है मेरी सिस्टर वाली रिंग लाइट। ये दोनों रिंग लाइटें ये मुझे पड़ी हैं तकरीबन 800 900 तक की। तो देख सकते हैं आप इस वाली का साइज़ कितना बड़ा है। ये तकरीबन आप जब मार्केट में लेने जाएँ तो अराउंड 6 to 7 thousand की पड़ेगी, और ये वाली तकरीबन 2 to 2 या 3 thousand की पड़ेगी। तो गाइज ये देखिए, ये वाली मेरी वाली जो है वो तो अभी भी ट्राईपॉड पे ही फिक्स है। ये एक सेकेंड, ये देखें ट्राईपॉड पे फिक्स है, ये मैंने अपनी बहन की ऐसे अभी अटकाई हुई है, और ये देखें ट्राईपॉड। तो ये देखें आप कितनी आसानी से रिंग लाइट बना सकते हैं घर में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फरजाना।